मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड स्थित मड़वन में बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री अजीत कुमार, आईएएस संजय सिन्हा, निदेशक कृष्ण कुमार व सारिका मल्होत्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। वहीं बच्चियों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महाचंद प्रसाद ने कहा कि को एजुकेशन के जमाने में लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलना काबिले तारीफ है। मुजफ्फरपुर में इस तरह के स्कूल की अत्यंत ही आवश्यकता थी, जहां लड़कियों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने स्कूल के निदेशक कृष्ण कुमार को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आईएएस संजय सिन्हा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को लिए खेल कूद और अन्य गतिविधियों में पारंगत बनाने की जो बीड़ा उठाया वो काबिले तारीफ है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने स्कूल प्रबंधन को अपनी ओर से स्कूल के विकास में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस समारोह में मुजफ्फरपुर जिला सहकारिता पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा, इंजीनियर रोशन कुमार, धर्मवीर शुक्ला, प्रोफेसर पंकज कुमार, इंजीनियर धीरज कुमार, व्यवस्थापक नागमणि सहित अभिभावक व गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा, सुने। कार्यक्रम तो आपने देखा, बुद्धा वर्ल्ड स्कूल फॉर गर्ल्स, किस कुमार जी जो एक्सपर्ट हैं इसके और जेनिव के प्रोडक्ट हैं, और श्री विकास जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन से मैनेजमेंट किया है, तो एक दोनों एक्सपर्ट हर क्षेत्र में है। उन दोनों ने जवाबदेही लिया है कि ये बुद्धा वर्ल्ड स्कूल को हम राज्य नहीं देश स्तर का क्वालिटी देंगे, हर स्तर में क्वालिटी देंगे, चाहे वो खेल कूद का हो या फिर एजुकेशन का हो। CBSE में हमारे बच्चे टॉप करेंगे। जैसा बताया इन्होंने कि अभी तक 2-4-5 वर्षों में जो इन्होंने किया अपने स्कूल का परफॉर्मेंस, उससे ऐसा लगता है कि ये बुद्धा वर्ल्ड स्कूल मड़वन निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करेगा। और बच्चियों को तो जिसकी चिंता भारत सरकार की है, बिहार सरकार की है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें अहम भूमिका होगा इस स्कूल की, हमें ऐसा लगता है। मैं समझता हूँ कि ये स्कूल बुद्धा वर्ल्ड स्कूल निश्चित रूप से देश के स्तर पर इसकी ख्याति बहुत ज़्यादा होगी। और जैसा इन्होंने कहा भी, डिटेल बताया है कृष्ण कुमार जी ने, कि ये बिहार ही नहीं बाहर से भी बच्चियां आएंगी, क्योंकि जो इनका एक सोच है कि ये स्कूल पूरी तरह सुरक्षित है, इसके हॉस्टल्स उसी तरह के होंगे, टीचर बाहर से आ रहे हैं, प्रिंसिपल बाहर से आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे लोग, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बिहार के बाहर से बच्चियां आएंगी। और बच्चियां जो धरोहर है समाज की, उसको सजाने संवारने का काम ये स्कूल करेगा, हमें पूरा भरोसा विश्वास है। इसलिए आज तो इन्हें छोटा सा कार्यक्रम किया है और शायद ये एडमिशन वगैरह का काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए उनकी इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएँ स्कूल को, बुद्धा वर्ल्ड स्कूल को देते हैं, इनके मैनेजमेंट कृष्ण कुमार जी और श्री विकास को देते हैं। इनकी पूरी टीम मेहनत करके निश्चित रूप से जो आज कमिटमेंट किया है इस खुले मन से, उसको वहाँ अचीव करेंगे, हमें पूरा भरोसा विश्वास है। अरे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरे इलाके में कृष्ण कुमार जी जो एक बड़े ही शिक्षाविद हैं, सकारात्मक सोच के नौजवान हैं, मेरे क्षेत्र में एक बच्चियों के लिए है ना बुद्धा वर्ल्ड स्कूल फॉर गर्ल्स का स्थापना किया है। हम बेहद आह्लादित हैं, क्योंकि मेरे इलाके में खासकर बेटियों को बेहतर शिक्षा, उनके संस्कार के लिए कोई इंडिविजुअल स्तर पर संस्थान नहीं था, और कृष्ण कुमार जी ने ये संस्थान खोलकर मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जब बेटियों का विकास होगा इट मीन्स की सर्वांगीण विकास होगा, इसका प्रयास किया है। हम इनको बधाई करते हैं और हमारा पूरा सहयोग इस इंस्टीट्यूशन के प्रति रहेगा, इसलिए कि अगर बेटी हमारी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम लोगों का शान बढ़ेगा। इसी शुभकामना को देने के लिए हम यहाँ आए थे, और मेरा मानना है कि इस इलाके में मड़वन का इलाका जो पिछड़ा वर्ग इलाका है, निश्चित रूप से ये संस्थान इस इलाके के विकास में महती भूमिका निभाएगी। देखिए बुद्ध वर्ल्ड स्कूल गर्ल्स जो मड़वन में अभी स्थापित हुआ है, इसमें मैं और श्री विकास जी दोनों आदमी मिलकर हम लोगों ने यहाँ शुभारम्भ किया है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि लड़कियों के रहने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, 200 बालिकाओं के रहने के लिए समुचित व्यवस्था है। उसके साथ साथ
उनके खेलने कूदने क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन उसके अलावा और सारे कई गेम्स के लिए यहाँ एक इंडोर स्टेडियम हम लोग ऊपर में बना रहे हैं, साथ में इतनी बड़ी हमारी प्लेइंग ग्राउंड है। तो बच्चे का संस्कार संस्कृति एंड शिक्षा तीनों का उत्थान होगा यहाँ पर, उनका डेवलपमेंट होगा। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल द थ्री गेम्स एट द सेम टाइम। आई एम वेरी श्योर कि आने वाले समय में ये जो जगह है लड़कियों के पढ़ाई के लिए देश और दुनिया में जाना जाएगा। यहाँ की बच्चियों में, गांव की बच्चियों में, बिहार की बच्चियों में बहुत शक्ति है, ये हम सब लोग जानते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। बुद्ध वर्ल्ड स्कूल गर्ल्स मरवन मुजफ्फरपुर में जो ब्रांच खुल रही है उन बच्चियों को उचित प्लेटफॉर्म देगा, जिससे कि वो बच्चियाँ आने वाले समय में हमारे इस एरिया का नाम, बिहार का नाम पूरे देश और दुनिया में करेंगे। सिर्फ पढ़ाई भी नहीं, IAS IPS IITM एंड डॉक्टर्स ही बन के नहीं, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनके, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनके, उद्यमी बनके पूरे देश दुनिया में इस मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें। सर, बच्चों के लिए फ़ी वगैरह का कुछ डिस्काउंट वगैरह अभी जैसा आपने बताया? देखिए, अभी जो भी एडमिशन फीस हो रहा है यहाँ पे, पहले 200 बच्चियों के लिए हम लोग 40% उसमें छूट दे रहे हैं एडमिशन फीस में। सो 30,000 रुपये एडमिशन फीस है, उसका 40% अभी छूट होगा उनके लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो बच्चे एक बार यहाँ आएंगे, दूसरे बच्चों के लिए वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उनको आगे मोटिवेट करके आगे पढ़ाएंगे। जो पीयर लर्निंग, शेयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग का जो फॉर्मूला है वो हमारे वैशाली बुद्ध वर्ल्ड स्कूल में बहुत अच्छे से लड़के का आश्रम जो है उसमें लड़के करके दिखा दिए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैशाली में जिस तरीके से हम लोगों ने लड़कों के लिए एक कोएड एजुकेशन चला के लड़कों का आश्रम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके, जहाँ से पटना दिल्ली कलकत्ता से बच्चे आके वहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मरवन में जो ये मुजफ्फरपुर ब्रांच लड़कियों के लिए जो खुला है, यहाँ भी बालिकाएं आके छात्रावास में रहेंगी, आसपास की 500 बच्चियां यहाँ आके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे और हम सब लोगों का नाम, अपने परिवार का नाम पूरे देश में रखेंगे।